टुडे वी वट विद रिग्रेशन एंड इन आर सिलेबस वी हैव ओनली लीनियर रिग्रेशन यानी कि हम सिर्फ लीनियर इक्वेशन से डील करेंगे अब रिग्रेशन क्या होता है रिग्रेशन इज़ अ वे ऑफ फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल यू नो वेन वी नो द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स सो एग्जैक्टली ये प्रेडिक्टिंग का मतलब क्या है कि क्या हो सकता है उसका वैल्यू ये हम प्रेडिक्ट करते हैं अगर हमारे पास जो दूसरे वेरिएबल का जो वैल्यू है वो हमें पता है और इफ़ यू सी वैल्यूज ऑफ अदर वेरिएबल्स यहाँ पे लिखा हुआ है दैट मीन्स दैट हमारे पास ऐसे हो सकता है कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल हमारे पास बहुत सारे और वेरिएबल्स हो सकते हैं पर हमारे सिलेबस में वी विल हैव ओनली टू वेरिएबल्स ठीक है तो एक होगा जिसका हमें प्रेडिक्ट करना है और दूसरा है जिसका हमें वैल्यू पता होगा ओके सो द वेरिएबल बींग प्रेडिक्टेड इज कॉल्ड एज द रिस्पॉन्स और द डिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है और जिसको हम प्रडिक्शन के लिए यूज कर रहे हैं उसको हम बुलाते हैं एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है अब हमारे पास यूजअली दो वेरिएबल है एक है वाई और दूसरा है एक्स यूजली हम वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और एक्स को इंडिपेंडेंट क्यों क्योंकि ये y का वैल्यू एक्चुअली इस पर डिपेंड होगा x पे ठीक है अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x का वैल्यू एडवर्टाइजिंग लू और y को सेल्स लूँ तो वॉट डिपेंड्स ऑन वॉट ये y का वैल्यू डिपेंड्स ऑन x सेल्स डिपेंड ऑन एडवर्टाइजिंग ओके सो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट सो नाउ लेट मी टेल यू शॉर्ट में कि मुझे रिग्रेशन में क्या करना है ओके सो सपोज मेरे पास ये डेटा है वेर आई हैव अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर इज गिवेन एंड उसके ऊपर रेल्ड इज गिवन मतलब कितना खेती हुई ठीक है फर्टिलाइजर डालने पर अब ये जो वाई है वो डिपेंडेंट है ना एक्स पे तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ इलेवेंथ से याद होगा तो यू मस्ट हैव मेड अ स्कैटर डाइग्राम राइट ना वॉट डू यू डू इन द स्केटर डाइग्राम ये जो एक्स का वैल्यू है उसके अगेंस्ट हम वाई का वैल्यू प्लाट करते हैं तो एक्स एक्सेस पे थर्टी देखो y एक्सेस पे 43 थ्री देखो और यहाँ पे ये पॉइंट बना दो ठीक है इस तरीके से मैंने ये सारे पॉइंट्स प्लॉट किए हुए हैं रिग्रेशन में हम क्या करते हैं हमें एक्चुअली इन सारे पॉइंट्स के थ्रू एक लाइन बनाना है ठीक है अब एग्जैक्टली exactly एक लाइन बनाना तो पॉसिबल नहीं होगा जिसमें से सारे पॉइंट्स गुजर सके ठीक है तो हमको ऐसा कोई लाइन बनाना है जो मतलब बेस्ट हो इन सारे पॉइंट्स के लिए ठीक है ताकि जब भी हम इस लाइन का अभी हमें एक बार लाइन बना देंगे तो उसका इक्वेशन मिल जाएगा तो अब इसके बाद अगर मुझे यहाँ पे भी कोई वैल्यू पता है तो मैं उस पर इजिली वाई का वैल्यू ढूँढ पाऊंगी यहाँ पे बस मुझे पता चल जाएगा यहाँ से कि वाई का वैल्यू क्या है तो ये लाइन जो है ना उसका इक्वेशन निकालने को ही हम रिग्रेशन बोलते हैं ठीक है रिग्रेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस लाइन को फाइंड करना हम लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं इसलिए हमें लाइन मिल रहा है अगर हम और कॉम्प्लेक्स रिग्रेशन करते हैं तो फिर हमें अलग अलग टाइप के कर्व्स मिलेंगे ठीक है बट हमारे सिलेबस में सिर्फ ये लाइन का इक्वेशन निकालना ही है ओके तो हर सम में हम एक्चुअली क्या करने वाले हैं हम एक लाइन का इक्वेशन निकालने वाले हैं अब ये लाइन ये कैसी लाइन होनी चाहिए अब मैं बोल सकती हूँ कि ऐसी लाइन होगी तो अच्छा है तुम बोल सकते हो कि चलो ये तीन पॉइंट तो आसपास लग रहे हैं तो ये वाली लाइन बेटर है ठीक है और उसके बाद कोई और ऐसे भी बोल सकता है कि इसको ऐसे ले लो तो कितनी सारी लाइंस बन सकती है ना इसमें से बेस्ट लाइन कौन सी है वो चूज करने के लिए हमारे पास एक मेथड है नाउ दिस मेथड इज कॉल्ड एज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स अब एक्चुअली ये क्या है ये बोलता है कि ये मेथड ऑफ ली स्क्वेयर्स में यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द लाइन ओके तो इफ दिस इज द डिस्टेंस यर फॉर दिस पॉइंट दिस इज द डिस्टेंस यहां पे, दिस इज द डिस्टेंस दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन सो जीरो डिस्टेंस ठीक है अब इस मेथड में क्या बोलते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ना इसका स्क्वायर करेंगे तो इस डिस्टेंस को ले लो एज ए ये बी ये सी और डी ठीक है अगर हम इस डिस्टेंस को स्क्वायर करेंगे यानी ए स्क्वायर बी स्क्र सी स्क्वायर और डी स्क्वायेयर और इन सबको ऐड करेंगे तो ये सबसे कम आना चाहिए हमें वैसी लाइन ढूंढनी है ठीक है तो ये एक्चुअली डिस्टेंस क्या है ये एक्चुअली एरर है ना इन सारे पॉइंट से तो वो डिस्टेंस हमें सबसे कम करना है हम स्क्वायर क्यों ले रहे हैं क्योंकि ये प्लस हो सकता है ये माइनस हो सकता है ठीक है तो उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है तो वो प्लस माइनस का साइन हटाने के लिए हम स्क्वायर कर लेते हैं ठीक है अब हमारे सिलेबस में इसका प्रूफ कुछ है नहीं तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले पे जाएंगे तो कैसे है कि अगर हम इस सब का ध्यान रखते हुए हम अपना लाइन बनाए देन वी गेट अ लाइन विच इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इफ़ यू रिमेंबर कोई भी लाइन का इक्वेशन कैसे रहता है इट इज़ इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना यहाँ पे ये m के बदले b है और c के बदले a है ठीक है जहां पे ये ए का वैल्यू कैसे आता है ए का वैल्यू इज वाई बार माइनस बी एक्स बार ये वाई बार और एक्स बार कैसे मिलेंगे हमें हमारे पास कुछ वैल्यूज होंगे ना एक्स और वाई के उन सबको एड करके एंड इफ यू डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ वैल्यूज यू विल गेट वाई बार एंड एक्स बार ओके एंड ये बी कैसे मिलेगा बी का फॉर्मूला इज को वेरियंस ऑफ एक्स कमा वाई डिवाइडेड बाई वेरियंस ऑफ एक्स ओके सो दिस इज द फार्मूला फॉर बी एंड दिस इज द फार्मूला फॉर ए इफ यू डोंट वॉन्ट टू फाइंड ए ठीक है बी तो ढूंढना ही पड़ेगा लेकिन ए के बदले इस फार्मूला के बदले हमारे पास और एक रिप्लेसमेंट भी है जो कि हम ज्यादा ऑफन यूज करते हैं क्यू डू वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी इन टू एक्स माइनस एक्स बार एंड ये एक्चुअली एक लाइन का इक्वेशन है विच इज कॉल्ड एज द रिग्रेसन लाइन अब यहां पे इफ यू ऑब्जर्व ये जो बी है इस लाइन का स्लोप है और जो ए है इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट है फ्रॉम योर हम बी को रिग्रेशन को भी बुलाते हैं सो इफ आई हैव टू रीकैप दिस आर वी ट्राइंग टू डू वी हैव सम पॉइंट जो हमने प्लॉट किए हैं वी आर ट्राइंग टू मेक अ लाइन थ्रू दीज पॉइंट्स इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स एंड द लाइन उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो वो सबसे कम होना चाहिए वो कम होने के लिए ये फॉर्मूला से लाइन निकालोगे तो वो सबसे कम होगा तो हमें क्या करना है वी हैव टू कैल्कुलेट बी दैट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन एज को वेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई एंड डिवाइडेड बाई द वेरियंस ऑफ एक्स एंड टू फाइंड द लाइन दैन फाइनली वी हैव टू डू y माइनस वाई बार y बार bar. नंबर y bar होगा इज इक्वल टू b एन टू यहां से एक्स x एक्स बार एक्स बार भी नंबर होगा ये वाई और एक्स ये वेरिएबल्स होंगे जिससे हमें लाइन का इक्वेशन मिलेगा ये वाई और एक्स वेरिएबल्स होंगे जिनसे हमें लाइन का इक्वेशन मिलेगा इस बी को हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी बुलाते हैं ओके okay? अब हम ज्यादा स्पेसिफिक लाइन्स पढ़ते हैं ठीक है ऑफ रिग्रेशन सो फर्स्ट इज सपोज आई वॉन्ट टू फाइंड द रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स ठीक है इसमें हम क्या बोल रहे हैं इफ आई से वाई ऑन एक्स इसका मतलब है दैट एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है जिसको मैं यूज कर रही हूं टू फाइंड आउट द वैल्यू एंड ये वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है ठीक है तो रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स के लिए वाई इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इज द इनडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द फॉर्मूला इज वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू ये बी वाई एक्स लिखा है ठीक है क्योंकि हमारे पास एक बाद में है एक्स ऑन वाई भी तो कन्फ्यूजन ना होकर के बी वाई एक्स लिखा है कि याद रखो ये वाई ऑन एक्स है ना जो भी पहला आया है उसको ही पहले लिखना है और फिर सेकेंड वाले को नेक्स्ट इंटू एक्स माइनस एक्स बार ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो ये लास्ट आ रहा है वो ही उससे मल्टीप्लाइड भी है ठीक है और ये बी वाई एक्स का फार्मूला क्या है इट इज़ को वेरियंस ऑफ एक्स कमा वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वेर ये देखो ये एक्स है नीचे तो वो भी वो ही नीचे आएगा ठीक है अब मैं क्या करती हूँ मैं इसका फॉर्मूला लिखती हूँ हमारे पास दो फॉर्मूले हैं फॉर कोवेरियंस राइट कोवेरियंस का फर्स्ट फॉर्मूला है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इन टू वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है सेम वे में इट इज एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन और इसका स्क्वायर ठीक है एन और एन कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली वी विल गेट दैट दिस इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई समे एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वेयर ठीक है ऐसे मत सोचना कि यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हैं दैट इज नॉट पॉसिबल ठीक है पहले हमको ये फाइंड करके इसको मल्टीप्लाई करना है इसको स्क्वेयर करना है फिर उसको सम करना है ये कैंसिल नहीं कर सकते नाउ नेक्स्ट द अदर फॉर्मूला फॉर कोवेरियंस इज इक्वल टू वर्ट समेशन एक्स आई इंटू वाई आई डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन एक्स आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वेर ठीक है अब अगर आई मल्टीप्लाई दिस ऊपर तो मुझे मिलेगा समेशन एक्स आई वाई आई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन एक्स आई स्क्वेयर माइनस एन इंटू एक्स बार स्क्वेर ओके सो ये दो हमारे फॉर्मले हैं फॉर बी वाई एक्स नाव ऑन द सिमिलर नोट सपोज आई हैव टू फाइंड द रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई यहाँ पे वाई इनडिपेंडेंट होगा और एक्स डिपेंडेंट होगा यानी हमें एक्स का वैल्यू प्रिडिक्ट करना है वाई को यूज करके तो इसमें फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार नाउ इट हेज़ बिकम एक्स वाई और इसका फॉर्मूला क्या है इट इज़ को वेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई वेरियंस ऑफ y जो लास्ट है वही आएगा ठीक है इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं सो दिस वुड बी समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इन टू वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई समेशन वाई आई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर राइट आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली ओके बिकॉज वी वॉल डन इट फॉर वाई ऑन एक्स एंड दूसरा फॉर्मूला क्या होगा इट इज समेशन एक्स आई वाई आई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार एंड दिस हैज टू बी डिवाइडेड बाय समेशन वाई आई स्क्वेयर माइनस एन इंटू वाई बार स्क्वेयर नाउ लेट अस डू सम एग्जांपल्स सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस बेटर तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है फर्टिलाइजर और हमारे पास यील्ड दिया हुआ है हमें ढूंढना है द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ यील्ड ऑफ ग्रेन ऑन द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर ऑन के पहले क्या है ये क्या है वाई ठीक है और अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर क्या है एक्स तो बेसिकली बोला रिग्रेशन लाइन ओके सो यू टू लुक एट दैट फॉर्मूलाई ऑन एक्स के लिए था फर्स्ट लेट्स डू दैट तो उसमें इफ यू रिमेंबर वॉट इज द फॉर्मूला फॉर बी वाई एक्स बीवाई एक्स इज इक्वल टू को ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर ठीक है और अगर हम डिसाइड करते हैं हमें वो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना है तो हमें सिर्फ दो ही चीजें ढूंढनी है एक है हमें एक्स आई स्क्वेयर ढूंढना है और दूसरा है हमें एक्स आई इन वाई आई ढूंढना है ठीक है तो फर्स्ट लेट अस फाइंड एक्स आई स्क्वायेर तो देखो यहाँ पे तो सब ज़ीरो है तो पहले डिजिट का स्क्वायर लगा के फिर जीरो के बदले दो ज़ीरो डालना है तो थर्टी का स्क्वायर होगा नाइन हंड्रेड नेक्स्ट फोर्टी का होगा सिक्सटीन हंड्रेड उसके बाद फिफ्टी का होगा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड देन वी हैव सिक्सटी एज थर्टी सिक्स हंड्रेड सेवेंटी विल बी फोर्टी नाइन हंड्रेड एंड एटी विल बी सिक्सटी फोर हंड्रेड अब हमें इसको ऐड करना है सो दिस बी जीरो जीरो प्लस नाइन इज एटीन एटीन प्लस इज ट्वेल्व तो थर्टी हो गया और ये फाइव प्लस फोर नाइन तो ये हो गया थर्टी नाइन अब इसके बाद सिक्स प्लस फोर टेन प्लस फाइव फिफ्टीन प्लस फोर नाइनटीन ठीक है अब इसके बाद हमें एक्स आई वाई आई भी ढूंढना है तो इसके लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो फोर्टी थ्री इंटू थ्री इज वन टू नाइन और फिर एक और जीरो लगेगा पीछे फिर फोर्टी फाइव इंटू फोर पहले फोर्टी फाइव इंटू टू कर लो तो 90 आएगा और फिर नाइन्टी इंटू टू करोगे तो वन एटी आएगा तो वन एटी तो और फिर और एक हमें जीरो लगाना है पीछे फिर नेक्स्ट फिफ्टी फोर इंटू फाइव तो फर्स्ट फोर इंटू फाइव इज जीरो ट्वेंटी आएगा ना तो टू कैरी फॉरवर्ड होगा तो ये हो जाएगा टू सेवन जीरो जीरो नेक्स्ट वी हैव टू डू फिफ्टी थ्री इंटू सिक्स तो फर्स्ट वी विल गेट एट फिर वन कैरी फॉरवर्ड होगा सिक्स इंटू फाइव इज थर्टी तो ये हो गया थर्टी वन और फिर और एक जीरो नेक्स्ट फिफ्टी सिक्स इंटू सेवन तो इसके लिए सेवन इंटू सिक्स होगा टू फोर कैरी फॉरवर्ड होगा सेवन इंटू फाइव इज थर्टी फाइव प्लस फोर इज थर्टी नाइन और यहाँ पे जीरो नेक्स्ट सिक्सटी थ्री इंटू एट सो फर्स्ट वी फोर टू कैरी फॉरवर्ड फोर्टी एट प्लस टू इज फाइव जीरो फोर जीरो नाउ डेट इज एट दिस तो पहला तो जीरो होगा फिर यहाँ पे एट प्लस टू टेन हो गया टेन प्लस ये है थर्टीन राइट सो दिस इज ट्वेंटी थ्री नाउ नेक्स्ट, एट प्लस टू प्लस टू प्लस सेवन प्लस वन तो ये टेन है और ये भी टेन है सो दिस इज ट्वेंटी दिस इज ट्वेंटी नाइन ओके एंड लास्ट सो टू प्लस वन प्लस वन इज फोर प्लस टू इज सिक्स प्लस सिक्स इज ट्वेल्व

और ये है थर्टी वन यहां मैंने मिस्टेक बनाया है सिक्स प्लस फोर इज टेन प्लस ये फाइव फिफ्टीन हो गया एंड फिफ्टीन प्लस हमें नाइन करना है तो ये फोर होना चाहिए था ठीक है वो कैरी फॉरवर्ड तो ठीक है बट ये फोर होना चाहिए था अब उसके बाद ये लास्ट वाला इसको भी हमें टोटल करना है सो दिस इज जीरो एंड नाउ आई हैव टू डू थ्री प्लस फोर सो पहले लेट मी डू सिक्स प्लस फोर टेन हो गया फिर टेन के बाद सेवन प्लस एट होता है फिफ्टीन तो फिफ्टीन प्लस फाइव ट्वेंटी तो इधर हो गया थर्टी और ये है थर्टी थ्री ओके अब जब मैंने सबका टोटल कर लिया है इसके बाद मुझे फॉर्मूला में पुट करना है लेटमी फाइन फर्स्ट कोवेरियंस को वेरियंट ऑफ एक्स कॉमा वाई

लेट मी राइट दिस एज समेशन एक्स आई वाई आई इज वन सेवन नाइन थ्री जीरो डिवाइडेड बाई सिक्स माइनस थ्री थर्टी डिवाइडेड बाई सिक्स इंटू थ्री वन फोर डिवाइडेड बाई सिक्स न तो कैंसिल हो जाएगा ये है फिफ्टी फाइव और अब मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको रिड्यूस नहीं करती हूँ अभी के लिए मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ पहले फिर सब करके एक ही बार में मैं डिवाइड कर दूंगी ठीक है तो फर्स्ट आई वॉन्ट टू डू फिफ्टी फाइव इंटू थ्री वन फोर नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड फिफ्टी फाइव इंटू थ्री वन फोर सो दिस इज थ्री वन फोर इंटू फिफ्टी फाइव तो पहले मैं क्या करती हूँ मैं फाइव से मल्टीप्लाई करती हूँ सो आई गेट थ्री वन फोर इंटू फाइव इज इक्वल टू जीरो दिस इज फिफ्टीन सो आई गेट वन फाइव सेवन जीरो अब मुझे क्या करना है आई वॉन्ट टू डू वन फाइव सेवन जीरो इन टू इलेवन राइट नाउ इफ यू रिमेंबर द ट्रिक आई हैव टॉट यू दिस इन दी अर्लियर वीडियोज़ हम क्या करते हैं हम पहले पहला नंबर ऐसे लिखते हैं और लास्ट नंबर ऐसे लिखते हैं फिर हम सबको ऐड करते हैं ठीक है वन और इन तीनों को ऐड करेंगे इधर तो सेवन प्लस जीरो इज सेवन फाइव प्लस सेवन इज ट्वेल्व फाइव प्लस वन इज सिक्स अब हर जगह पे यू कैन हैव ओनली वन डिजिट सो कैरी फॉरवर्ड होगा सो फर्स्ट आई एव जीरो वेअर देन सेवन यहाँ पे ये टू आएगा नीचे वन कैरी फॉरवर्ड सेवन और फाइनली वन ठीक है सो आर आंसर बिकम्स वन सेवन टू सेवन जीरो अब मुझे क्या करना है आई हैव टू सेवन जीरो सो आई गेट 7, 13 minus 7 is 6 6 okay so i get 660 divided by 6 so let me write that down 660 divided by 6 is nothing but 110 okay now i need to calculate the variance so variance of x is equal to summation xi square डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार ये क्या है समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर इज इक्वल टू वन नाइन नाइन जीरो जीरो डिवाइडेड बाय सिक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर क्या है फिफ्टी फाइव हमें मिला था ना तो फिफ्टी फाइव का स्क्वेयर। ना वन नाइन नाइन जीरो जीरो इज नॉट डिजिबल बाई सिक्स है ना ये थ्री से डिविजिबल नहीं है तो मैं क्या करती हूँ लीव इट एज अ फ्रैक्शन राइट नाउ देखो यहाँ पे फाइनली हमें डिवाइड करना है ना तो जब तक डिवाइड नहीं करना पड़े ना तब तक आई विल अवॉइड ओके सो व्हाट आई विल डू इज मैं 55 का स्क्वायर कर लूंगी और उसको सिक्स से मल्टीप्लाई करके एंड देन आई विल लीव इट एज अ फ्रैक्शन ओनली ठीक है तो ये है वन नाइन नाइन जीरो जीरो माइनस ना फिफ्टी का स्क्वायर क्या है फिफ्टी का स्क्वायर के लिए ऑल्सो वी हैव अ ट्रिक्स

फिर थ्री इंटू फोर करते तो इसका आंसर होता है वन टू टू फाइव यहाँ पे ओके सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इज अ स्मॉल ट्रिक सो वी विल यूज दिस थ्री जीरो टू फाइव सो दिस इज थ्री जीरो टू फाइव इंटू सिक्स ठीक है डिवाइडेड बाई सिक्स आई मल्टीप्लाई दिस ओके सो आई गेट थ्री जीरो टू फाइव इंटू सिक्स इज इक्वल टू रो और उसके बाद नाउ आई टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस सो आई गेट वन नाइन नाइन जीरो जीरो माइनस जीरो सो दिस बिकम देन दिस इज फाइव दिस इज सेवन वन ओके सो वन सेवन फाइव जीरो डिवाइडेड बाय सिक्स अब हम यहीं पे रख देंगे इसको

सो सिक्सटी सिक्स डिवाइडेड बाय वन सेवनटी फाइव में फर्स्ट ओनली वी विल हैव अंडोर ये सिक्स सिक्सटी हो जाता है नाउ थिंक ये वन सेवनटी फाइव है दिस इज ऑलमोस्ट टू हंड्रेड एंड दिस इज सिक्स हंड्रेड सो इट हैजू गो थ्री जर सो लेट यू चेक वन सेवेंटी फाइव इंटू थ्री इज फाइव इसको और 175 ऐड करेंगे तो वी विल गेट 700 ठीक है जो इससे बड़ा है सो जिस थ्री ज इज 525 ओके ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी गेट वन बिकॉज ऑफ द डेसिमल यहाँ जीरो लग जाएगा अब इसके बाद हमारे पास है 175 और यहाँ हमारे पास है 1350 ये लगभग 200 है तो ये अगर पांच बार लेंगे तो हजार के आसपास आएगा पर कम आएगा हजार से तो वी विल है सो वन सेवेंटी फाइव इंटू सेवन इज इक्वल टू ठीक है तो सेवन जा काम करेगा सो दिस इज वन टू टू फाइव दिस बिकम्स अगेन आई विल वन टू फाइव जीरो वापस सेवन जा विल वर्क सो वी हैव वन टू टू फाइव जिसका रिमाइंडर है ट्वेंटी फाइव जीरो लगाएंगे तो दिस विल बी जस्ट वन ओके, सो आई लीव इट योर सो आई गेट दिस एज पॉइंट थ्री सेवन सेवन तो वी कैन लीव इट एज पॉइंट थ्री सेवन सेवन ओनली वो वन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा So we have found out the value for BYX. Now, because I have not exclusively mentioned what x bar and y bar are, I will write that here. So x bar is equal to 55 as we have calculated, but y bar is equal to 314 divided by 6, which is equal to pale 615. So this will become 30, one remainder. The so 62za, pap is 2 butcha so then I will do 6 3s are. Of here, you is 3 3 continue. Hota so now, once we have got all this, let us write the equation. So the equation is y minus y bar is equal to b y x x minus x bar. Okay. And then when I substitute here, I get y minus 52.33 is equal to. जीरो पॉइंट थ्री सेवन सेवन एक्स माइनस एक्स बार इज फिफ्टी फाइव ठीक है तो देफोर वाई इज इक्वल टू पॉइंट थ्री सेवन सेवन एक्स माइनस फिफ्टी फाइव इंटू पॉइंट थ्री सेवन सेवन प्लस फिफ्टी टू पॉइंट थ्री थ्री ठीक है तो so, इसको सिम्प्लीफाई करने पे हमें मिलता है पॉइंट थ्री सेवन सेवन एक्स प्लस थर्टी वन पॉइंट फाइव ओके सो दिस इज आर रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट दे हैव हैव गिवन ओवर हियर सेड टू ड्रॉ दिस रिग्रेशन लाइन ठीक है अब जब हमें ड्रॉ करना है इस रिग्रेशन लाइन को पहले तो हमें एक्स एंड वाई एक्सेस बनाना पड़ेगा फिर जो सारे पॉइंट्स दिए हैं उनको प्लॉट करना पड़ेगा उसके बाद हमें लाइन भी बनाना होगा ओके okay? ये बहुत कम बार पूछते हैं एग्जाम में मोस्टली नहीं पूछते हैं बट बिकॉज इट इज़ अ क्वेश्चन आई जस्ट डू इट सो दैट यू नो हाउ टू डू इट सो द फर्स्ट स्टेप इज टू प्लॉट द पॉइंट्स सो द फर्स्ट पॉइंट गिवन वर्स एक्स का वैल्यू थर्टी है और वाई का वैल्यू फोर्टी थ्री है उस टेबल में ठीक है तो थर्टी पे फोर्टी थ्री है तो ये लगभग इधर होगा तो पहला पॉइंट यहाँ पे है ठीक है इसी तरीके से मैं सारे पॉइंट्स प्लॉट कर देती हूं अब ठीक है तो एक बार हमने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए फिर इस तरीके से कुछ मिलता है अब नेक्स्ट हमें इस लाइन को प्लॉट करना है तो इसके लिए हम एक्स के बदले कुछ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें वाई के वैल्यूज मिलेंगे

तो टेन पे थर्टी फाइव पॉइंट टू सेवन है सो वन पॉइंट इज़ टेन कॉमा थर्टी फाइव पॉइंट टू सेवन वॉट अबाउट एन अदर पॉइंट सो लेट मी टेक अनादर पॉइंट एज एटी तो देन आई विल गेट दैट वाई इज इक्वल टू जीरो मतलब थ्री पॉइंट सेवन सेवन इंटू एट करना पड़ेगा ना टेन की वजह से वो शिफ्ट हो जाएगा प्लस थर्टी वन पॉइंट फाइव दिस इज इक्वल टू पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट सिक्स देस प्लस फाइव सिक्स टू ट्वेंटी थर्टी वन पॉइंट फाइव है तो यूर वी है ठीक है तो अब हमारे पास दो पॉइंट है अब इनको हमें ज्वाइन करके लाइन बनाना है तो

तो इन दोनों पॉइंट्स को अब जोड़ के हमें अपनी लाइन मिलेगी सो कैन यू ऑब्जर्व ये लाइन ऑलमोस्ट सारी पॉइंट से गुजर रही है और सब पॉइंट से बहुत करीब है तो यही है हमारी रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स अब जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था

एक्स के बदले नाउ आई विल सब्सटीट्यूट नाइनटी सो आई गेट पॉइंट थ्री सेवन सेवन इंटू नाइंटी प्लस थर्टी वन पॉइंट फाइव इज इक्वल टू नाउ आई हैव टू डू थ्री सेवन सेवन इंट नाइन विच इज सो नाउ ये दो डेसिमल लगना चाहिए तो वी विल गेट थर्टी थ्री पॉइंट नाइन थ्री प्लस थर्टी वन पॉइंट फाइव क्वल टूटी फोर थ्री तो ये सिक्सटी फाइव पॉइंट फोर थ्री है वाई का वैल्यू जब एक्स का वैल्यू नाइन्टी है तो डिड यू ऑब्जर्व कि हमारे पास अगर एक्स का कोई वैल्यू था तो हम वाई का वैल्यू गैस कर पाए हम प्रेडिक्ट कर पाए जबकि हमारे पास डेटा सिर्फ एटी तक का ही था लेकिन हम नाइन्टी के लिए भी वाई का वैल्यू पता कर पाए तो यही है रिग्रेशन का यूज ये हमें आगे की चीजें बताता है ये ठीक है या फिर जो हमारे पास नहीं है उसकी वैल्यूज हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं हम गेस कर पाते हैं